स्टोन अगरबत्ती। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, शाहपुर में बन रहे पुल से नीचे गिरी क्रेन। हादसे में 17 लोगों की मौत, मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी। हरियाणा के मेवात में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा में 3 लोगों की मौत। इलाके में अर्धसैनिक बल की 20 कंपनियां तैनात। आसपास के जिलों में भी एहतियातन धारा 144 लागू। पुणे में आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे पीएम मोदी। दगड़ूशेठ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। मणिपुर मामले पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष। सरकार बोली, चर्चा से भाग रहा विपक्ष। आज संसद में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर विधेयक। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। अध्यादेश में है सर्विसेज के मामले में अथॉरिटी बनाने की बात। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी आज सुनवाई। वारदात के कई दिन बाद एफआईआर दर्ज होने पर जताई नाराजगी। चीफ जस्टिस की बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। पृथ्वी का चक्कर पूरा करने के बाद चांद की कक्षा की तरफ रवाना हुआ चंद्रयान 3। चंद्रमा होगा यान का अगला पड़ाव। 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3 का लैंडर। रूस की राजधानी मॉस्को में 3 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक। रिहायशी बिल्डिंग को बनाया गया निशाना। रूस का यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो नसरुल्लाह के साथ शादी की पारंपरिक पोशाक में बैठी दिखाई दी। दावा किया गया कि ये वीडियो अंजू और नसरुल्लाह